हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए द रोवर और द वैनिश्ड कैवेलियर बाय अपरा वैन इस ड्रामा की समरी लेके आया, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। सो लेट अस स्टार्ट द रोवर। द रोवर की जो स्टोरी है वो कुछ एक्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट एक्ट है जिसके अंदर दो सिस्टर हैं, हेलेना और फ्लोरिंडा, और ये दोनों डिस्कस कर रही हैं अपनी बहन फ्लोरिंडा की लव लाइफ के बारे में। फ्लोरिंडा इंग्लिश कर्नल बेलविल से प्यार करती है, पर उनके पापा चाहते हैं कि उसकी शादी एक एल्डर पर्सन जिसका नाम डॉन विंसेंटो है उससे हो, जबकि इन दोनों का भाई है डॉन पेड्रो, जो उसकी शादी अपने फ्रेंड डॉन एंटोनियो से करवाना चाहता है, पर फिर कहता है कि चलो आप अपने पापा की बात मान लो। जब फ्लोरिंडा ये मना कर देती है तो वो उसे कहता है कि ठीक है, तुम्हारी शादी मैं डॉन एंटोनियो से करवा दूंगा। इसके बाद में फ्लोरिंडा और हेलेना दोनों डिस्गाइज में वेश बदलकर कार्निवल में जाती हैं, जबकि कार्निवल मतलब एक प्रकार के मेले में जाती हैं। कार्निवल में तीन आदमी बेलविल, ब्लंट और फेडरिक जो हैं वो कार्निवल का एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि बेलविल बड़ा दुखी है क्योंकि उसके उसका जो लव है फ्लोरिंडा, उसके पापा ने उससे शादी की परमिशन नहीं दी है। तभी वहाँ पे उनका दोस्त विल्मोर आता है और वो रात को एंजॉय करते हैं वहाँ पे। तभी वहाँ पे फ्लोरिंडा, हेलेना और उनकी कजन वलेरिया जो कि जिप्सी के रूप में आती हैं, जिप्सी मतलब बंजारों के रूप में आती हैं, विल्मोर और हेलेना मिलते हैं, जबकि फ्लोरिंडा और बेलेविल दोनों रात को अलग हो जाते हैं। ब्लंट जो कि इनके साथ तीसरा बंदा था वो क्या है, वो सबसे ज्यादा मूर्ख है। उसे एक लोकल लेडी लुसेटा पसंद आती है और वो उसके साथ चला जाता है। फेडरिक अपने दोस्त को इन्फॉर्म करता है कि एंजेलिका बियांका एक बहुत ही पावरफुल कटसियन है, वो नेपल्स में आ चुकी हैं। यहाँ एक्ट फर्स्ट खत्म होता है और एक्ट सेकंड स्टार्ट होता है। अब विल्मोर, बेलविल और फेडरिक तीनों जने एंजेलिका को देखने जाते हैं। वहाँ उन्हें ब्लंट मिलता है जो ये मानता है कि लुसेटा उससे प्यार करती है, और उसे बहुत गुस्सा आता है जब वो बताते हैं कि लुसेटा तो तेरे से प्यार नहीं करती है, वो तो तुझे धोखा देगी। एंजेलिका जिसका कि रेट बहुत ज्यादा हाई है, अब उसे बहुत ज्यादा हाई रेट के कारण कोई भी उसके पास नहीं आता है, तो वो बड़ी दुखी है कि उसके पास में लैक ऑफ टेकर्स हैं, कोई लेने वाला नहीं है। तब वो सोचती है कि मैं डॉन पेड्रो और डॉन एंटोनियो दोनों के को परस्यू करूंगी, लेकिन वो डॉन पेड्रो और डॉन एंटोनियो जो होते हैं उनकी आपस में फाइट हो जाती है, क्योंकि जब वो इससे मिलने आते हैं तो पहले वो फाइट करने लग जाते हैं कि पहले मेरी इस चीज से फाइट होती है। अब फाइट का निर्णय पुराने जमाने में ड्यूल से होता था, दोनों आपस में लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी विल्मोर ही इस प्ले का असली रोवर है। रोवर मतलब घुमक्कड़, घुमंतु व्यक्ति, बंजारा टाइप का। विल्मोर जो है वो क्या करता है कि एंजेलिका के नौकरों ने ना एंजेलिका की एक फोटो बाहर लगा रखी है, वो उस फोटो को चुराने की कोशिश करता है। जब वो फोटो को चुराने की कोशिश करता है तो उसे पकड़ लेते हैं, तो एंजेलिका जो उसे कहती है कि तू पीछे हो जाए एक बार, कि हालांकि उसने तो चुराने की कोशिश की थी, पर वो उसे वो इस बदमाश को देखकर बड़ी एक्साइटेड हो जाती है। वो उसे फ्री में अपने वो कहता है कि सर मैडम मैं तो नेवी में काम करता हूं, इसलिए मेरे पास कोई ज्यादा पैसे वैसे तो होते नहीं है, लेकिन मैं आपको किसी तरह से उसको बहला फुसला के उसके साथ में सेक्स कर लेता है, क्योंकि वो तो इसलिए मान जाती है क्योंकि वो उसे प्यार करती है। उसकी जो मेड सर्वेंट है मोरेटा, वो उसे ऐसा करने से मना करती है, पर वो इस बात को इग्नोर कर देती है। एक्ट थ्री में अब हमारे सामने है फ्लोरिंडा, हेलेना और वेलेरिया। अभी भी वो
जिप्सी की डिस्गाइस में है। हेलेना बार बार विलमोर के बारे में सोचती रहती है, पर जब वो क्योंकि अब बाकी सारे तो आ जाते हैं, बेलविल और वो आ जाते हैं, लेकिन विलमोर नहीं आता है। अब विलमोर थोड़ी देर बाद और तो टेंशन करती है हेलेना की, हाय विलमोर नहीं आया, विलमोर नहीं आया। लेकिन विलमोर जब आता है तो वो कहता है कि भाई मैं तो आज एंजेलिका के साथ फ्री में करके आया हूं। अब वो हेलेना प्रिटेंड करती है कि मैंने तो कुछ नहीं सुना, और वो और विलमोर वापस से फ्लर्ट करना स्टार्ट करते हैं। पर एंजेलिका तो अब एंजेलिका जो है वो भी डिस्गाइज में आ जाती है, जो देखती है कि विलमोर तो मेरे लिए मेरा सच्चा प्रेमी नहीं है। जब हेलेना विलमोर से पूछती है तो वो कहती वादा कर कि अब कभी एंजेलिका के पास नहीं जाएगा, वो वादा करता है। फ्लोरिंडा और वेलेरा भी जो है वो बेलविल की लॉयल्टी को टेस्ट करने की सोचते हैं कि वो उसे कहते हैं कि चलो आओ। अब हम वो डिस्गाइज फॉर्म में बंजारन होती है, पर वो मना कर देता है, वो कहता नहीं मैं तो मेरी गर्लफ्रेंड फ्लोरिंडा को ही प्यार करता हूं। अब फ्लोरिंडा जो है वो उसे अपना लोकेट बंजारन के रूप में फ्लोरिंडा होती है, वो उसे अपना लोकेट देती है। तो बेलविल सोचता है कि फ्लोरिंडा तो किडनैप हो गई है। अब उधर मूर्ख ब्लंट जो होता है, उसे लुसेटा सेड्यूस कर लेती है उसको, और उसको लूट लाट कर उसे सीवर में फेंक देती है। अब वो सीवर से बाहर निकलकर बड़ा गुस्से में आता है कि अभी मेरे साथ धोखा हो गया। रात को फ्लोरिंडा जो है वो बेलविल की वेट कर रही होती है, पर वहां विलमोर ड्रंक करके दारू पी के विलमोर आ जाता है, और वो सोचता है कि ये तो एक प्रोस्टिट्यूट है। वो उसे रेप करने की कोशिश करता है, तभी वहां बेलविल और फेडरिक आ जाते हैं। अब यहां पे फाइटिंग होने लगती है, तभी वहां पे डॉन पेड्रो और उसके नौकर आ जाते हैं, और ये जो अंग्रेज हैं ये भाग जाते हैं। बेलविल बड़ा गुस्से में आ जाता है, और विलमोर जो है वो जान बचाने के लिए एंजेलिका के घर में जाकर छुप जाता है। जब वो आता है तो जब वो वहां पहुंचता है तो डॉन एंटोनियो वहां पे पहले ही होते हैं। अब ये फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। विलमोर एंटोनियो को तलवार मार देता है, फिर भाग जाता है। अब जब बेलविल वहां पे विलमोर के पीछा करते करते आता है तो उसे पकड़ लेते कि तूने भैया तूने डॉन एंटोनियो पे हमला किया। एक्ट फोर में अब एंटोनियो ये मानता है कि बेलविल ने मेरे पे हमला किया है, और वो उसे कहता है कि चल अब ऐसे कर क्योंकि अब मेरे तो चोट लगी है और मेरा डॉन पेड्रो से एक ड्यूल है, इस ड्यूल में तू मेरी जगह लड़ेगा। बेलविल मान जाता है क्योंकि बेलविल को ये लगता है कि ड्यूल जो है वो तो फ्लोरिंडा के लिए लड़ा जा रहा है। और इधर फ्लोरिंडा बड़ी टेंशन लेती है कि हाय बेलविल नहीं आया, मुझे ढूंढने नहीं आया। तभी ड्यूल में सारी जो आइडेंटिटी और जो जो भी है सब कुछ क्लियर हो जाता है। जब विलमोर वहां आता है और डॉन पेड्रो जो है वो इन दोनों की शादी की परमिशन नहीं देता है। अब विलमोर एंजेलिका और हेलेना एक दूसरे का पीछा करते हुए आते हैं। फ्लोरिंडा भी यहां आ जाती है, लेकिन वो भागकर बेलविल के घर में छुप जाती है कि भाई कहीं मेरा भाई ना देख ले। बेलविल उसे ब्लंट उसे ढूंढ लेता है, और ब्लंट सोच लेता है कि ये एक प्रोस्टिट्यूट है, और ब्लंट उसको रेप की कोशिश करता है क्योंकि अब उसे गुस्सा आता है कि सारी औरतें एक जैसी हैं। पर फेडरिक सोचता है कि शायद ये एंजेलिका जैसी कोई वैल्यूएबल हो, और इसलिए वो कहता है इसे उसे एक कमरे में बंद कर देता है कि भाई इसका कहीं बाद में अपने कर लेंगे, कुछ बेच-बूझ देंगे। एक्ट फाइव में स्टोरी की कंक्लूड होती है कि बेलविल अपने दोस्तों को बताता है कि भाई मैंने एक लेडीज को कैप्चर कर लिया है। वो कहते हैं चलो ठीक है अपने चलते हैं, पर वहां पे वेलेरा जो है वो आकर पेड्रो को रूम से बाहर निकाल देती है, और फ्लोरिंडा जो है वो अपनी आइडेंटिटी बता देती है। फ्लोरिंडा और बेलविल पास ही जाकर एक लोकल प्रीस्ट से शादी कर लेते हैं, और ब्लंट और फेडरिक डर जाते हैं कि यार हमने क्या कर दिया, ये तो डॉन पेड्रो की बहन थी और वो छोड़ेगा नहीं। तभी वहां पे एंजेलिका
एक गन लेके आ जाती है और वो कहती है कि मैं विलमोर को मार दूंगी। डॉन एंटोनियो जो छुपे होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं और पेड्रो जो है वो बेलविल और फ्लोरिंडा की जो शादी है उनके लिए मान जाता है। बाद में पता चलता है कि तो पहले ही होगी थी। अब एंजेलिका कहती है कि चलो ठीक है मैं विलमोर को जिंदा छोड़ देती हूँ, तो हेलेना और विलमोर भी शादी कर लेते हैं और अब ये दोनों जने इंगेजमेंट कर लेते हैं। अब ये सारे जना ग्रुप जो है वो कार्निवल को एंजॉय करता है और ये ड्रामा एंड में खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।